आज की जो पीसी हम लोगों ने आप लोगों को बुलाई है, ये उसी घटना के बारे में है जिसमें दो बार पहले से पीसी हो चुकी है। एक चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर मीडिया जगत में और आम जनमानस में काफ़ी सरगर्मी रही। देवन से इस केस को हम लोगों ने चैलेंज के हिसाब से लिया था। आज इस केस पर हम लोग पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा रहे हैं। अंतिम अभियुक्त जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे, जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रूपेश की हत्या हुई थी, वो चारों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। हम लोगों ने तीन लोगों के ऊपर पहले चार्जशीट कर दिया है और FSL से वेपन का मिलान भी हो गया है। आप लोगों हम लोगों ने पिछली पीसी में बताया था। जो अंतिम अभियुक्त था आर्यन उर्फ अभ्यानंद, उसकी कुर्की भी हम लोगों ने पिछले दिनों कर दी थी, पिछले महीने 13 जून को, और ये फिर भी फरार चल रहा था। अब ये जेल जाएगा और इस केस को हम लोग चार्जशीट कर देंगे और स्पीडी ट्रायल में ये केस जाएगा। इसमें बहुत क्वालिटी एविडेंसेस हम लोगों ने डायरी में लाए हैं। 12 जनवरी को घटना घटी थी और संयोग से आज 12 जुलाई है। 7 महीनों का वक्त लगा, लेकिन इस अनुसंधान से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपनी टीम को मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें बहुत मशक्कत लगी, बहुत कठिन परिश्रम लगा। एक टोटल ब्लाइंड केस था और विद एविडेंस, विदाउट एनी सस्पिशन, अब हम लोग इस केस का पटाक्षाप कर रहे हैं और ये केस अब चार्जशीट होकर कोर्ट में जाएगा। ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। इसमें आप लोग जब इस घटनाक्रम को देखिएगा 7 महीने के, तो घटना के बाद जैसा कि आप लोगों को पहली पीसी में बताया गया था, ये लोग सभी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे और पेपर्स पढ़ रहे थे। ऋतुराज सबसे पहले हम लोग का ब्रेक थ्रू था। उसके पकड़ाने के बाद, क्योंकि सब लोग एक ही ग्रुप के लड़के हैं और कंकड़बाग का दो लड़के थे और ये लड़का सालिमपुर का है, सब लोग फिर अंडरग्राउंड हुए। उन लोगों के जानकारी से बहुत बड़ा अपराध हो गया था ये उनसे, जो पेपर पढ़ के उन लोगों को लगा था, क्योंकि टारगेट के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ थे शुरू में कि वो इतना बड़ा व्यक्ति है, हस्ती है। तो ये जब दूसरी गिरफ्तारी में भी आप लोगों ने देखा, 70 दिन का समय हम लोगों को लगा था, क्योंकि वो भी भिन्न भिन्न जगहों पर घर बार छोड़कर भाग रहा था। हम लोगों ने पूरे घर को सर्वनाश पर रखा था, कई लोगों के नंबर हम लोग लगाए हुए थे। इस जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो आर्यन है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। छोटू जिसने सरेंडर किया, छोटू के सरेंडर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी शायद सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्वेलांस शुरू किया, इसे घर के आसपास फील्डिंग शुरू की, वारंट भी हम लोगों ने निकाला ताकि अब ये मैसेज क्लियर हो जाए कि ये पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन अंततः हम लोगों को कुर्की करना पड़ा। बेसिकली ये लड़का कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी हरिद्वार, लेटेस्ट ये हरिद्वार से लौटा है, उत्तराखंड से, और कुर्की करने के बाद इसमें थोड़ी सी इसको आस लगी कि अब पुलिस शायद इस केस को जब परस्यू नहीं करेगी, अब कुर्की करने के बाद केस को चार्जशीट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निरंतर लगे रहे, समय इसीलिए लगा, लेकिन हम लोग का ध्येय था कि गिरफ्तार ही करना है। गिरफ्तार कर लेने के बाद, गिरफ्तार हो तो भी आप मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक ये पहुँचे, क्योंकि इसको पटना ही नहीं, पूरे बिहार के एक एक व्यक्ति ने, बिहार के बाहर के व्यक्ति ने भी फॉलो किया है। मैं अभी भी कभी कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपना पीसी की देखता हूँ लिंक, तो देखता हूँ कितने हिट्स हैं उसको, तो बहुत लोगों ने उसको देखा है। तो ये कौतूहल का केस था, लोगों को एक्सपेक्टेशन थी पुलिस से, और हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कम्प्लीट किया है। ऐसा उसको लगा, उसने शिकायत की, सब चीज़ तो वहाँ CCTV में है, हर फ्रिस्किंग का जगह है, वहाँ CCTV है, उसका हम लोग जाँच कराए, वैसा कुछ बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। संभव है कि उसके पहले उसके साथ कहीं कुछ बस से आई है, हम लोग फिर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, एक घटना घटी है आलमगंज थाना में, अभी मैं वहीं जाऊँगा, तो उसको CTSP ने विजिट किया है साइट को, और इम्पोर्टेंट लीड्स कुछ हैं, जो PO है, जो घटनास्थल है, वो देख के ही बहुत कुछ कह रहा है, और विदिन कुछ टाइम ये केस डिटेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं, हम लोग केस को संदिग्ध मान के नहीं चलेंगे जब तक पटाक्षेप ना हो जाए। तो आप लोगों को याद होगा खगौल में एक घटना घटी थी, तो बाद में केस पलट गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से अनुसंधान किया, इस केस का भी अनुसंधान हम लोग करेंगे। एज पर विक्टिम ये 10 लाख से 11 लाख की बात आ रही है लूट की, और DVR लेके जाया जा चुका अपराधियों द्वारा, ऐसी भी बात आई है। टीम ने विजिट किया है, कुछ लीड्स मिले हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी इसका उद्भेदन हम लोग कर रहे हैं। पुलिस को नहीं बताया, होता है फर्स्ट रिएक्शन किसी भी विक्टिम का, जैसे रुपेश का हत्याकांड हुआ था, तो रुपेश जिस फ्लैट में रहते हैं
उस अपार्टमेंट के ओनर का मुझे मैसेज आया, शम्वन है शॉर्ट रुकेश, मुझे थाने का मैसेज नहीं आया था, सबसे पहले मुझे खबर पता चला। तो खबर कैसे पुलिस के पास है, दैट इज नॉट मटेरियल। घटनास्थल बहुत कुछ कहता है तो उसको देख के हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर, यूपी से भी किसी कातिल की गिरफ्तार हुआ, उसको लेकर पटना में भी कुछ एक्टिविटी तेज की गई या फिर कुछ अलर्ट? देखिए, ये जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी होती है उसको लेके जनरल अलर्ट हमेशा रहता है, आईबी के अलर्ट्स आते रहते हैं, स्पेशल बैंक के अलर्ट्स आते रहते हैं, और महीने में 4 बार आते हैं, और भी कुछ कंक्रीट भी आते हैं, कुछ जनरल आते हैं। तो उसको लेकर आप लोग देखते होंगे किसी भी जगह पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, पुलिस जब औचक छापेमारी करती है, चेकिंग करती है, तो इसी कवायद में करती है। तो अलर्टनेस तो है ही, वो एक अपना अलग डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसके वेक में कोई नई दिशा निर्देश हम लोग दी है ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग तो उन घटनाओं के प्रति अलर्ट रहते ही हैं।